हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी मुझे जाना है बैंक मोड़, क्योंकि आज है फ्राइडे और फ्राइडे में कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि फ्री रहते हैं, तो जा रहे हैं उन लोगों से मिलने के लिए। एंड अभी उनका लोकेशन भी ले लेते हैं पहले व्हाट्सअप में, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। सबसे पहले तो ये टी शर्ट चेंज करेंगे, क्योंकि धूप जो है ना बहुत ही ज़्यादा है, और ब्लैक में आप लोग तो पता ही है कि किस तरह की धूप खींचती है। तो पहले टी शर्ट चेंज करते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ। तो दोस्तों, हम फाइनली दीपा दी का होम टाउन है सो पहुँच चुके हैं, और ये धोवा टाँड शास्त्री नगर धनबाद है। एंड ये जो लोकेशन दिखा रहे हैं ये दीपा दी का है, तो इधर ही कुछ गली है। तो चलते हैं आपको लेके दीपा दी के पास। एंड दीपा दी मुझे जो लोकेशन भेजी थी वो यही है सेम। तो चल रहे हैं, अभी देखते हैं मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं, और चल रहे हैं। हेलो हेलो फैमिली, मयंक के फैमिली और ड्रीमर दीपा के फैमिली से प्लीज मोस्ट वेलकम। आइए अंदर। अभी हम दीपा दी के रूम पे आ चुके हैं, और देख सकते हैं इनका रूम बहुत ही बेहतरीन रूम है। एंड बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन वीडियो भी बनाती है दी। तो आप लोग अगर इनके चैनल पे अभी तक नहीं आए हैं तो आप लोग एक बार जरूर विजिट करें, बहुत ही बेहतरीन वीडियो रहता है। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है आज मयंक यहाँ पे आया है मेरे से मिलने के लिए। तो मयंक काफ़ी टाइम से, आई थिंक 2-3 दिन पहले से धनबाद आया था। मैं उसको काफ़ी टाइम से बोल रही थी, और हमारा प्लानिंग चल रहा था कि हम लोग मिलेंगे, तो फाइनली आज फ्राइडे है, मेरी छुट्टी, और स्पेशली मयंक यहाँ पे आया है। तो हमें बहुत सारी बातें करनी है मयंक के साथ, और बहुत सारे ज्ञान लेने हैं इससे। नहीं नहीं, ज्ञान नहीं लेने हैं, ये गलत बात है। हम आपसे बहुत ही जूनियर यूट्यूबर हैं, बस एक अच्छे यूट्यूबर से मिलना मेरा शौक है। और ये बंदा इतना, मतलब क्या बोलूं, इतना इंटरेस्टिंग बंदा है ना कि मैं इससे फोन पे जब भी बात करती हूँ तो आप इसके साथ तो कभी बोर नहीं हो सकते। इसके फैमिली तो जानते ही होंगे, तो आज इससे फेस टू फेस मिल करके बहुत सारी बातें करना है। और ज्यादा ब्लॉगिंग नहीं करेंगे, क्योंकि बातें ज्यादा करना है, वरना ब्लॉगिंग के चक्कर पे हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, तो मिलते हैं। एंड दोस्तों, देख सकते हैं ये दीपा दी का रूम है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन डेकोरेशन चारों तरफ आप लोगों को दिखा रहे हैं। एंड ये हमारी आंटी जी के टाइम पे अभी ये सब लगवाया है, जो कि तुमको बहुत पसंद। तो अभी हम दीपा दी के घर में, और देख सकते हैं ये लस्सी है, जो कि दीपा दी खुद अपने हाथों से बना के और मेरे लिए रखी हुई थी, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड आप लोग टेस्ट करके बताएं मेरे से पहले कि कैसा लगा, तो कमेंट करके आप लोग बताएं कैसा लगा। वैसे हम पी रहे हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड फाइनली दोस्तों, हम देख सकते हो लस्सी को पी लिए हैं, लस्सी बहुत ही मज़ा लगा पीने में। आप लोगों को दीपा दी से भी मिलवाते हैं, एंड उनसे भी कुछ बातें करवाते हैं। एंड दोस्तों, दीपा दी का जो स्टूडियो है हम वो आप लोगों को दिखा रहे हैं, जहाँ से ये लाइव रहते हैं हमेशा, तो देख सकते हैं। आ जाइए। एंड बहुत ही बेहतरीन है ये रूम। ये सब जो पेंटिंग दिख रहा है ना, ये सब हम बोले थे कि दी उठा के ले आएंगे, और अभी मेरे हाथ के सामने है, सोच सकते हो, देख सकते हो ये हाथ से कितना दूर है, बट नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि किसी का पसंद का। कहाँ से लिए थे दी ये सब? ये सब मैंने प्रिंट करवाया, ये फ्रेम लेकर के इसको सारी पाइनरेस्ट एक ऐप है वहाँ से प्रिंट करवा के बस चिपका दिया। बहुत ही कम पैसों में आराम से ये बन जाता है। प्रिंट करवाने में आपको 5 से 10 रुपये लगेगा A4 साइज पेपर में, और ये फ्रेम मैंने पहले से खरीदा था 25 से 30 रुपये में। बस टोटल अगर अमाउंट बताया जाए तो 40 से 50 रुपये में एक फ्रेम बन के रेडी हो गया, क्योंकि मुझे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें पसंद नहीं है, जितना कम में आप काम निकालो वो ज़्यादा बेटर है। बहुत बेहतरीन दी, आप YouTube में कब से काम कर रहे हैं? मैं YouTube में 2020 से काम कर रही हूँ, टोटल मुझे 15 महीने हो गए हैं काम करते करते, और वीडियोस बनाते बनाते आई मीन टू से। आप YouTube में सबसे ज़्यादा किसे फॉलो करते हैं? सिंपल टिप्स अन्वेषा को मैं फॉलो करती हूँ, और रुजुता दिवाकर को मैं फॉलो करती हूँ, फ्लाइंग बीस्ट को, और जो मेरा वीडियो, मतलब अभी मैं जिसके साथ हम लोग कोलैब कर रहे हैं मयंक डेली ब्लॉग्स, तो उसके वीडियोस को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिलहाल तो अभी कुछ टाइम से मैं उससे बहुत कुछ सीखी हूँ,
तो बस यही लोग जो है। और हाँ, हमारे नायक ब्लॉग्स, वो तो राम राम जी, अगर आप मेरा आदरणीय आदरणीय गुरु जी है हमारे ना, बहुत मतलब बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे, बहुत कुछ सीखने को मिला है उनसे। बट बीच में मेरा नाम क्यों ऐड कर दिए, हम तो आपसे बहुत जूनियर यूट्यूबर है। अरे जूनियर हो या सीनियर हो, लेकिन जहाँ से आपको नॉलेज मिलता है वो मैटर करता है। तो मयंक ने भी मुझे बहुत हेल्प किया है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होते रहती है तो मैं उसके साथ शेयर करते रहती हूँ और वो मुझे हेल्प करते रहता है। तो अच्छा लगता है जब एक दूसरे के साथ आप हेल्प करते हो ना, तो उसी से इंसान ग्रो करता है। तो जो मैं अभी धीरे धीरे वही सीख रही हूँ, और आज तो उसको मैंने सारी चीज़ें दिखाई हैं कि देखो मेरा व्यूज़ तो आ ही नहीं रहा है, बिल्कुल ज़ीरो है, डाउन है। तो दोस्तों, आप लोगों से मैं एक बात गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप ड्रीमर दीपा दी के वीडियो को शेयर करें, एंड चैनल पे अगर नहीं आए हैं अभी तक तो चैनल पे आके चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब के अलावा और क्या क्या करते हैं? यूट्यूब के अलावा मैं जॉब करती हूँ, मेरा 10 घंटे का जॉब है, मेडिकल फील्ड में हूँ, होम्योपैथिक में, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, क्योंकि 10 घंटे वहीं पे निकल जाता है। बाकी टाइम पे यूट्यूब का वीडियोस बना ले रही हूँ, आजकल ज़्यादा फ्रेंड सर्कल्स नहीं है, धनबाद में नहीं है, बाकी फ़ोन पे है, तो दैट्स इट, ऐसे ही चल रहा है। एंड आप यूट्यूब का वीडियो जो एडिट करते हैं वो क्या करते हैं, लैपटॉप में करते हैं या फिर फ़ोन में करती हूँ, फ़ोन में। कौन सा ऐप? काइन मास्टर से करती हूँ, और मैं नहीं करती हूँ, कोई और करते हैं, जो सीक्रेट है, मुझे एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। एंड हमारे ऑडियंस को कुछ कहना चाहते हैं जो नए नए यूट्यूबर है? मोटिवेटेड रहिए, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो उतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, और क्या बोलूँ, बस काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, जैसे मैं कर रही हूँ। व्यूज़ पहले 100 आ जाते थे, अभी 20-30 आ रहे हैं, बट फिर भी मैं खुश हूँ, कर रही हूँ। लेकिन हाँ, जो पूरा अपने आप को बिजी कर लिया है यूट्यूब में ही, जब उनके व्यूज़ नहीं आते हो तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि क्रिएटर बड़ा हो या छोटा हो, मेहनत तो सबको ही करते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। तो दोस्तों, अभी हम दीपा दी के साथ थे और जा ही रहे थे यहाँ से बाहर, कि आशीष भाई कॉल किए हैं, तो कुछ देर वेट करते हैं, उनसे भी मिल लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से चलेंगे, क्योंकि जब धनबाद आया तो उनसे ना मिलें ये भी बहुत बुरी बात होगी मेरे लिए, क्योंकि वो भी बहुत ही अच्छे क्रिएटर हैं और हमेशा लाइव में हम दोनों की बात होती रहती है। तो कुछ देर वेट करते हैं, जैसे आशीष भाई आते हैं आप लोग को मिलाते हैं, तो आप लोग ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहें। एंड दोस्तों, अभी हमारे साथ मिलने के लिए आशीष ब्लॉग आए, और दी है ना, सो उसके साथ प्रैंक कर दिया है कि मयंक कैसे चला गया है, तो दी से बात करवाते हैं। अभी आशीष के साथ हम लोगों ने प्रैंक किया है, प्रैंक देखते हैं सक्सेस होता है कि नहीं। एंड आशीष ऐसे मुझे कॉल कर रहा है वीडियो कॉलिंग। तो अभी सरप्राइज़ का जो हमने प्रैंक अभी प्लान किया है, अभी मयंक आशीष के लिए चाय लेके जा रहा है, हम देख सकते हैं चल रहे हैं। अरे आपको पता था सरप्राइज़ किए क्या, प्रैंक किए बैंक भाई, वैसे अच्छा लगा, प्रैंक बहुत जबरदस्त है। लेकिन हम दोस्तों देख सकते हैं आशीष भाई के साथ हम अभी। हेलो गाइस, कैसे हो? चाय का चुस्की ले रहे हैं, दी चाय पी चुकी है, उधर है दी, खत्म हो गया चाय, ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग दोनों पी रहे हैं अभी, बहुत ही मजेदार चाय बना है। तो नहीं छोड़ो हटाओ नहीं बोलते हैं, चाय बहुत मजेदार है, 20 रुपए कप है ये। चकले चाय बार यहीं पे मिल गया है, जाने की जरूरत नहीं, बहुत जबरदस्त लगा, अच्छा लगा, मजा आ गया है। तुम डर गए थे कि मैं चला गया है। वैसे आपको डर लगा था, लेकिन ठीक है, वैसे कहाँ गए, मेरे से मिल लेते और क्या, हम लोग बैठ के चाय पीते। हाँ ये बात बताओ, और आज फ्राइडे है, फ्राइडे को तो इनका छुट्टी भी रहता है, नहीं तो अगर किसी दिन तो फिर मोस्टली फिर 6-7 बजे आ जाती दीपा जी के। चलिए अभी चाय पीते हैं। तो दोस्तों अभी चाय पीते हैं, देख सकते हैं ये दीपा दी बनाई है। मज़ा आया प्रैंक करके, और हमको तो हंसी बहुत आ रहा था, लेकिन कंट्रोल किए थे कि आशीष को पता ना चल जाए, बट ठीक है कोई ना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, अपना एंड अपने परिवार का ख्याल रखें। एंड ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अभी तक आप लोगों ने अगर दीदी को
सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन घंटी प्रेस करें, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन वीडियो इनका भी रहता है।